पिटकुल द्वारा कफलगेत गांव के ऊपर बनाया जा रहा पावर हाउस ग्रामीणों के लिए मुसीबत का कारण बन गया है। हल्की सी बरसात में ही मलबा व पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जिस कारण कफलखेत व माजा खेत में मकानों को खतरा उत्पन्न हो गया है। ग्रामीणों ने इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। इधर शनिवार को कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण व ब्लॉक अध्यक्ष भूपेश खेतवाल सहित नारायण देव वार्ड की सभासद बबीता पांडे ने ग्रामीणों के साथ स्थल का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन पावर हाउस के अभियंता से भी बातचीत कर बरसात के पानी के लिए नाली निर्माण करने की मांग की है। बाद में ग्रामीणों ने इस समस्या से निजात की मांग को लेकर उपजिलाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा। पहले साल दीवार लगाई, पानी की वजह से दीवार गिर गई, 50-60 हजार में दीवार लगाई, सारी गिर गई है। अंदर पूरा मलबा है, अंदर पानी आ रहा है। यह हमारी खेती बाड़ी बगी है, हमने साग सब्जी उगाई थी वो सब बर्बाद हो गई। यह हेटिल का नाला आ रहा, पूरा हमारे घर में पानी घुस गया, गाय बच्चों का बर्बाद हो रहा, हमारे बच्चे डर जा रहे बाहर आने में। रात को भी हमको बहुत ही डर लग रही, हम सोच रहे कि कब हमारा मकान टूटता है, कब हम बहते हैं। हमें बहुत परेशानी है इसमें। क्या होना चाहिए, क्या डिमांड है आपकी? ये नाला बनना चाहिए, इधर उधर ये बंद करना चाहिए जल्दी से जल्दी। हमारी खेती बाड़ी का बर्बाद हो गया, बच्चों का बर्बाद हो रहा है, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, दुकान वाले हैं, पूरा रास्ता खराब हो रहा है। सर ऐसा है कि बारिश की वजह से ना तो हम रात भर सो पा रहे, डर लगी रहती है 24 घंटे कि कब पानी आता है, कब हम पानी के साथ बह जाएं। तो हम ये चाहते हैं कि इस पानी का पूरी तरीके से निरस्करण हो, ये मतलब इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई हो इस पे, और जो ऊपर के लोग हैं वो भी जरा सोचे कि यहाँ की जो गरीब जनता है उनका अच्छे से हर सुविधा का समाधान हो। यहाँ की मुख्य समस्या जो मेरे नारायण देव वार्ड है उसकी मुख्य समस्या ये है, जो ये हाइडिल का पावर हाउस बना हुआ है, इससे जब बरसात होती है तो ये बरसात होने से जो सारा मलबा होता है वो बारिश होने के कारण लोगों के घरों में आ रहा है, इससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और ये इसमें मेरा पूरा ही वार्ड आता है, शहर में इसमें दिक्कत हो रही है, रात में बारिश हो रही है तो लोगों के घरों में पानी घुस जा रहा है, मलबा इकट्ठा हो जा रहा है, लोग मेरे वहाँ पर आ जाते हैं। और पूरा कफल खेत भाई से पूरा कफल खेत में दहशत का माहौल है। इसका निकास सर यही एक रास्ता है कि इसमें नालियाँ बनाई जाएँ, और नालियाँ बनाने से ही इसकी निकासी हो सकती है, समय समय पर इसकी सफाई हो जो नालियाँ हैं। बरसात में जो ये मलबा इकट्ठा हो जाता है इस दौरान कम से कम 10-10 दिन में इनमें सफाई होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर पावर हाउस बनाया गया है, पहले पूरा पहाड़ था, इन्होंने खोद खोद के उसे उसकी मिट्टी नीचे डाली हुई है, और अब बरसात का पर जितना पानी आ रहा है वो मलबे के लेकर लोगों के घरों में घुस रहा है। और एक साल हो गया यहाँ के ग्रामीणों ने SDM साहब से भी कहा, DM साहब से भी कहा, कितनी इन्होंने प्रार्थना पत्र लगवाई हैं, लोगों से कहा कि मतलब हमें इतनी ये परेशानी हो रही है, 2-4 दिनों से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि लोगों के बर्तन तैरने लगे हैं, लोगों के बच्चे बाहर भागने लगे हैं, पूरी खेती बाड़ी इनकी ध्वस्त हो चुकी है, और जो सामग्री रखी हुई थी जैसे बजरी रखी हुई थी वो बह गई, इनकी लकड़ियाँ रखी थी वो बह गई हैं, तो काफ़ी परेशानी है इन लोगों के लिए। लेकिन यहाँ ये सरकार ने जो शासन प्रशासन के लोग हैं अंधे और बहरे बना दिए हैं, इन लोगों की कोई सुनने को राजी नहीं है। अगर यहाँ पर एक कफल खेत और मजिया खेत दो नगर ऐसे हैं यहाँ पर कि लोग परेशान हैं वहाँ पर, अगर एक अच्छा सा अगर यहाँ से ऊपर नाला बना दिया जाए कफल खेत से मजिया खेत तक, तो ये इसका निराकरण हो जाएगा। और अगर इस पर इन पर अगर जल्दी सुनवाई नहीं होती, आज हम SDM साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, अगर जल्दी सुनवाई नहीं होगी तो हम इसमें आंदोलन करने को बाध्य रहेंगे। CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।